भी हमारी बहुत अच्छी सी हेल्प कर देते हैं, जिससे हमारी लाइफ सेव हो जाती है ना। हम बड़े किसी नुकसान में, बड़े किसी में। एंड देन द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज अ मकाव, क्रेजी कोच। ओके, तो आज जो हमने ये स्टोरी पढ़ी है वो किसके बारे में थी? फर्स्ट ऑफ ऑल पेट के बारे में थी, उसमें थ्री कैरेक्टर्स थे, और ये जो थे कौन, जॉनी जे और क्रेजी कोट, उनका जो पेयर था, उनकी जो मैचिंग थी वो क्या थी? एकदम बेस्ट मैचिंग थी कि वो दोनों हमेशा ही साथ रहते थे। अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कुछ क्या आए हैं, हार्ड वर्ड्स आए हैं, हम उनको देखते हैं कि क्रैंकी, क्रैंकी का क्या मीनिंग होता है। साइंस में अपन पढ़ते हैं ना, अपनी बॉडी को कौन, स्किन, वैसे ही बर्ड्स की बॉडी को कौन कवर करता है, फेदर्स। स्कारलेट रेड कलर जो होता है, और राम किसको बोलते हैं, RUMP राम, बैक साइड को। और स्क्रीच यानी जो एक अजीब सी हाई साउंड देता है जिससे आदमी इरिटेट होता है, यानी अनप्लीजेंट साउंड। फिर है पार्लर, अब पार्लर को जरूरी नहीं है ब्यूटी पार्लर ही हो, पार्लर एक कैबिन को बोलते हैं, एक छोटा सा रूम भी को बोलते हैं, है ना, जिसमें कई बार कोई गेस्ट है जिसके लिए अपन स्पेस बना के रखते हैं। इग्नोर करना, हाँ ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोर का क्या मीनिंग होता है, जब अपने को किसी से बात नहीं करनी होती, अपने को कोई अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, उस पर अपना अटेंशन नहीं देते हैं, देते हैं नहीं देते, कई बार ऐसे होता है।
सोएगी, लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए कोशिश करती है वहां पर एक थीफ आ जाता है। और अब वहां पर क्या होता है, ये स्टोरी हमने भी पढ़ी थी ना कि थीफ आ जाता है और क्रेजी कूट है उसकी हेल्प की वजह से वो उससे अनहर्ट हो जाती, यानी बिना उसका कोई नुकसान हुए वो सेफली रह जाती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि यदि वो जब बीच में उठ जाती, यानी जब वो थीफ आया था तब मिस मे उठ जाती, तब क्या? तो इफ मिस मे हैड वेकम व्हाइल द थीफ वाज द पार्लर, यदि वहां पर मिस मे सो रही होती और उसी टाइम थीफ आता और मिस मे उठ जाती तो क्या होगा, she might have hurt or wound Miss May. वो Miss May को hurt कर सकता था। कैसे hurt कर सकता था? उस पर attack कर सकता था, है ना? उसको और भी कोई नुकसान पहुंचा सकता था। फिर जो हमारा next question ये है कि why did the thief turn into stone? कि वो stone में क्यों change हो गया thief? क्यों change हुआ था? If the thief stood as if he turned into stone, कि वो ऐसे ही खड़ा था जैसे कि स्टोन में हो, यानी वो पत्थर का बना हुआ हो। When the crazy goat started speaking the dialogue, क्योंकि crazy goat ने क्या किया, डायलॉग बोलना स्टार्ट कर दिया। The thief was surprised, वो सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, because he thought that the beside the sleeping Miss May he was alone in the room, क्योंकि उसे तो ये फील होता है कि जो मिस मे है वो क्या है, अकेली है। और अकेली कहाँ है, उस जॉनीजे के हाउस में, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द पीपल डिसाइडेड विच एनिमल बर्ड और रेप्टाइल दे वांट एज अ पेट। अब आप कैसे सोचते हो या आप कैसे मानते हो, लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो रेप्टाइल है, बर्ड है, एनिमल है, इसको हम कहाँ रख सकते हैं, एज अ पेट। भाई हम उसी को तो एज अ पेट रख सकते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या हम एलिफेंट को एज अ पेट रख लें घर पे, लॉयन को रख सकते हैं? नो, नेवर, क्योंकि उनको हम उतना ट्रेंड नहीं कर सकते जितना हम रैबिट, पैरट या फिर कैट और डॉग को कर सकते हैं, है ना। तो एक तरह से ये जो चैप्टर है वो हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है ये चैप्टर, हमें एनिमल्स के लवर यानी जॉनी जे के बारे में बता रहा है। और एक तरफ से जो एनिमल्स की लवर नहीं थी, यानी जो क्रेजी कूट को लाइक नहीं करती थी, उसके बारे में बताता है। और क्या बोलता है कि उसने उसको उस प्रॉब्लम से सेव कर दिया, बचा लिया, तब वो मिस मे भी हो सकता है उस क्रेजी कूट को लाइक करे। यानी हमें एनिमल्स को थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें कई बार प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसी डेंजर से, ठीक है। और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले उसके अंदर कोई पेयर वाले वर्ड बनते हैं, जैसे क्रैंकी, इरिटेट, है ना, तो ऐसे वर्ड्स हमें बनाने हैं। फिर है जैसे श्रेक, स्क्रेच, ऐसे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो क्रेजी कूट और जॉनी ले का कन्वर्सेशन होता है ना आपस के अंदर, वो किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किस तरह से रहते हैं, ऐसी बातें हमें इस चैप्टर में नहीं पता है। तो आपके आसपास कोई भी जो पेट को रख रहा हो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि फ्रेंडली कैसे रहते हैं, क्योंकि अभी जो चैप्टर था उसके अकॉर्डिंग तो हमें ये बताया था कि क्रेजी कूट है वो क्या कर सकता है, क्रेजी कूट मिस मे को किसी डेंजर से सेव करता है, है ना, प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्रेजी कूट और जॉनी जे अपने लाइफ कैसे स्पेंड करते थे ये हमें नहीं है। तो उसके साथ हमें क्या सीखना है कि अपने एक फ्रेंडली लाइफ स्पेंड करनी चाहिए किसी भी पेट के साथ। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जिसमें हम छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या है कि एक तो जो जॉनी जे जो सेलर था, जिसने सेलिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम उसकी एज कितनी थी, 12 इयर्स। कितनी थी, 12 इयर्स।
और अभी जो अपना चैप्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी उसकी एज कितनी है? 66 years. नेक्स्ट है, अब वो उसका सबसे जो हॉबी वाला था वर्क, वो क्या था जोनीजे का? सेलिंग करना. क्या था? सेलिंग करना, ट्रैवलिंग करना. और उसने क्या किया था? बहुत सारे कंट्रीज को देख रखा था, बहुत सारे कंट्रीज को देख रखा था. अब वो क्या है कि वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता था? किसी आइलैंड पे, या फिर क्या करते थे वो दोनों? अकेले ही रहते थे. फिर है कि जॉनी जे का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था, उसका तो एक ही फ्रेंड था. कौन था? क्रेजी कोट. और ये क्रेजी कोट कौन था? पैरेट. कौन था? पैरेट था. और पैरेट भी कैसा? साउथ अमेरिकन पैरेट. कैसा पैरेट? साउथ अमेरिकन पैरेट. अब उसका अपीयरेंस के बारे में बताया, उसके लंबे लंबे फेदर्स होते हैं, उसका जो कलर है वो बिल्कुल डार्क सा, रेड सा होता है ना. मकाओ. और इसके अंदर ये जो मकाओ है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट बात क्या थी? कि वो ह्यूमन बीइंग के जैसे बोल सकता है. किसके जैसे बोल सकता है? ह्यूमन बीइंग के जैसे. अब है क्रेजी कूट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसको क्रैंकी मकाओ क्यों बोला? उसका जो टेम्पर था, उसका जो बिहेव था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. वो कैसा था? बैड टेम्पर्ड. कैसा था? बैड टेम्पर्ड. और वो क्या करता था? इरिटेट करता था. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलता है? कि जो मिस मे थी, मिस मे कौन थी? जॉनी जे की सिस्टर. जॉनी जे की जो सिस्टर थी, मिस मे थी, वो उसको इरिटेट करता है, इसलिए वो उसको लाइक नहीं करती है. लेकिन जब उसके साथ प्रॉब्लम्स आती है, जब वो एक बार डेंजर में आने वाली होती है, तो उसको सेव कौन करता है मिस मे को? क्रेजी कोट. कौन करता है? क्रेजी कोट. और ये एक पैरेट है जो कि वेल ट्रेंड है और साउथ अमेरिका का पैरेट है. तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा क्या?